सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ओटीटी रिलीज की कुछ नई अपडेट प्लस कंफर्मेशन के बारे में, बिकॉज रिसेंटली इसके ऊपर कुछ दो नई ठोस अपडेट्स हाथ लगी हैं जिनको सुनने के बाद फैंस लोग डेफिनेटली खुश हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग को मूवी अपने टाइम से पहले भी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी पता चला है मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, ब्लैक पैंथर इस साल की मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा कोई एकदम तगड़ी स्टार कास्ट देखने को नहीं मिली थी, बट मूवी का कंटेंट ऐसा था कि मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस साल थॉर लव एंड थंडर का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एंड करंटली मूवी आप लोग को 730 मिलियन के ऊपर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करते हुए देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि लाइफ टाइम कलेक्शन आप लोगों को कहीं इसका 800 मिलियन के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि 1 बिलियन के मार्क से तो 200 मिलियन कम है, लेकिन इस मूवी के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो इस मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन करा है। अब देखो यार, मार्वल डेफिनेटली चाहेगा कि मूवी ने जितना अच्छा बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन करा है उतनी अच्छी रेटिंग इसकी ओटीटी रिलीज के ऊपर भी देखने को मिले। एंड इसी वजह से अभी करंटली कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि आप लोग को 25 ऑफ दिसंबर के अराउंड इसका जो ओटीटी प्रीमियर है वो देखने को मिल सकता है। मे बी शायद आप लोग को ये इंटरनेशनली पहले रिलीज होती हुई देखने को मिले एंड इंडिया में आप लोग को थोड़ा बाद में देखने को मिले, बट यस अभी करंटली कुछ रूमर्स प्लस अपडेट्स ऐसी मिल रही है कि यस आप लोग को 25 ऑफ दिसंबर तक ये जो मूवी है वो डिज्नी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या उसके अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को भी ऐड करा जाता है या फिर नहीं करा जाता है। अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार को ऐड करा गया देन आप लोग को मूवी दिसंबर के एंड तक हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसकी जो सेकंड डेट सामने निकल कर आ रही है ओटीटी रिलीज को लेकर, एंड इस पे मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बिलीव लग रहा है, क्योंकि इसको काफी सारे मीडिया हाउसेस प्लस रिपोर्ट्स ने कंफर्म करा है। एंड पास में जब मूवी रिलीज होने भी वाली थी तो उसकी जो थिएटिकल विंडो थी वो ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम के अराउंड एंड भी हो रही है। तो यस आप लोग को इस टाइम तक मूवी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, अगर ये जो रूमर्स आ रहे हैं 25 दिसंबर वाले वो सही नहीं होते हैं तो। तो जो डेट अभी करंटली मेरे हाथ लगी है उस अकॉर्डिंग आप लोग को 20 जनवरी के अराउंड ये जो मूवी है वो देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर भाई मूवी को 25 दिसंबर के अराउंड नहीं रिलीज करा जाता है देन आप लोग को अभी 20 दिन और एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, लेकिन यस आप लोग को इस टाइम फ्रेम के अराउंड मूवी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। एंड इसको हिंदी के साथ ही सारी साउथ लैंग्वेजेस में भी रिलीज करा जाएगा। बाकी आगे इसके ऊपर जो भी मेरे को नई अपडेट्स मिलेंगी वो तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता ही रहूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज जैसे मेरे को कोई नई कंफर्मेशन मिलती है मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग बताना आप में से कितने लोगों ने ब्लैक पैंथर के सेकंड पार्ट को थिएटर में देख लिया एंड इसको फिर से ओटीटी पर देखने वाले हो। आप लोग मूवी जैसी भी लगी उसको आप लोग भाई बिंदास कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी भाई अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।